अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मेरे भारतवासियों, आज मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ कि बकरे बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि गांव के अंदर भी छोटे छोटे यूट्यूबर बहुत हो गए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि गांव के अंदर भी यूट्यूबर होने चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूबर बनना। ये जरूरी नहीं है कि सिटियों के अंदर ही यूट्यूबर बने, गाँव के अंदर भी यूट्यूबर बनने चाहिए। आप वीडियो को जरूर आखिर तक सुनना, किसी के मैं खिलाफ या किसी के बारे में गलत कमेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बकरेबाज है या पशुपालक है या सिटी के अंदर एक एक दो दो बकरे पालने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जरा 5 मिनट अपना टाइम निकाल करके ये वीडियो सुनिए कि एक छोटे से गांव के यूट्यूबर के जरिए सिटी के अंदर जो एक एक दो दो बकरे पालने वाले लोग हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में पालने वाले लोग हैं, उनको बकरे बहुत महंगे पड़ रहे हैं। क्योंकि हरी पत्ती अभी राजस्थान के अंदर 20 रुपये किलो हो गई है और हरी पत्ती इंडिया के अंदर ओनली राजस्थान में ही होती है। 100% राजस्थान में हरी पत्ती होती है और हरी पत्ती इस बार रियली में ही कुछ बारिश की बाधाओं की वजह से, पेड़ कम छंगे थे उनकी वजह से हरी पत्ती महंगी हो गई है। तो उसकी जगह अपन को क्या करना चाहिए, मैंने 1 महीने तक ट्राई की है मेरे खुद के फार्म पे और उसका रिजल्ट देख करके फिर मैं आगे मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ। जितने भी बकरों का शौक रखने वाले मेरे भाई है उन सबको ये चीज बता रहा हूँ मैं कि हरी पत्ती की जगह मैंने मसूर का भूसा यूज किया और उससे अल्लाह का करम वेट गेन भी मिला और फायदा ही हुआ, नुकसान उससे कुछ नहीं हुआ। वो मात्र 10 से 12 रुपये किलो हम लोगों को यहाँ मिलता है। हरी पत्ती आज यहाँ 20 रुपये किलो है। अब जैसे बड़ी बड़ी सिटियाँ है, हैदराबाद मान लो या बेंगलोर मान लो, बम्बई मान लो, गुजरात, तो वहां तक पहुंचने तक तो वो हरी पत्ती बहुत महंगी पड़ जाती है। 5-6 रुपये ट्रांसपोर्ट खर्चा आ जाता है, 20 रुपये ये, 5-6 रुपये 26-27 रुपये पड़ जाती है। तो फिर 30 रुपये किलो बेचनी उनकी मजबूरी है और 30 रुपये किलो की हरी पत्ती खिला करके अपन बकरे क्या भाव बेचेंगे, इसमें बकरे बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 1 महीने तक मेरे बकरों को मसूर का भूसा खिला के देखा। माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिला है, बकरे अच्छे बन रहे हैं, पानी भी ज्यादा पी रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ और बकरेबाजों से, बकरा पालकों से और फार्मरों से ये एक मशवरा लेना चाहता हूँ। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि 10-12 रुपये किलो की मसूर अगर अपन ट्रांसपोर्ट कहीं पे भी करवा रहे हैं तो 4-5 रुपये खर्चा आ करके 15-16 रुपये में पड़ रही है, 14-15 रुपये किलो वो पड़ रही है। तो जहाँ तक मेरा तो ख्याल है ये फायदे की चीज ही है। मैंने भेजी भी है एक दो जगह और इंशाल्लाह मैं कल नहीं परसों बम्बई और भेज रहा हूँ मसूर। उन्होंने भी यहाँ आकर के रिजल्ट देखा, उनको भी रिजल्ट अच्छा लगा मसूर का। तो मैं सोचता हूँ कि अगर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मसूर मेरे से मंगावे, जहां पे भी आपका कॉन्टेक्ट है, जहां से आपको नजदीक पड़ रही है वहां से आप मसूर का चारा मंगाओ और अपने बकरों को खिलाओ। अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और बकरे सस्ते पड़ रहे हैं। एमपी में भी मसूर मिलता है, राजस्थान के अंदर तो मिलता ही है। तो अपन सब जने बकरे पालने वाले ये कोशिश करें कि अपने बकरा सस्ता कैसे रह पड़ेगा और हरी पत्ती की खपत कम करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने 1 महीने तक मसूर का भूसा खिला के उसका रिजल्ट देख करके फिर मैं एक छोटे से गांव के एक यूट्यूबर के जरिए पूरे हिंदुस्तान के बकरेबाजों को ये एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप सब मसूर का भूसा खिलाओ और जहाँ आपको नज़दीक पड़ रहा है या जहाँ से आपका कॉन्टेक्ट है वहाँ से भी मंगाओ और मसूर का चारा खिला के बकरे थोड़े खर्चे में, बजट में कोश, मतलब सही पड़ जाए, बहुत महंगे नहीं पड़े। मेरा यही मशवरा आप सब लोगों से। और तो मेरे भाइयों, आप जरूर इस वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर लिख देना कि गांव के अंदर ये छोटे छोटे यूट्यूबर बन रहे हैं, इससे फायदा है या नुकसान है।
मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि गांव के अंदर भी यूट्यूबर बनने चाहिए, और यूट्यूब से सबको फायदा होता है, नुकसान किसी को नहीं होता है। क्योंकि कुछ यूट्यूबरों ने बोला है कि आजकल तो गांव के अंदर छोटे छोटे यूट्यूबर बहुत बन रहे हैं, ये है वो है, कुछ बोला था, सुना है मैंने। लेकिन गांव के अंदर यूट्यूबर बनने से ये बहुत बड़ा फायदा हो गया है कि हर छोटी छोटी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हर जगह पहुंच जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, यूट्यूब तो बहुत अच्छी चीज़ है, बननी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। बाकी जो कल मेरा वीडियो था, किसी को एक आदमी को टारगेट करके नहीं था, चंद एक आध कोई फार्मर या यूट्यूबर के वजह से ये बन गया, बनाया होगा मैंने वीडियो। और बाकी जो ये मैंने फीड के बारे में बताया है, तो इसको आप बताना कि मेरी ये राह अगर किसी को गलत लगी हो तो माफ करना, अगर सही लगी है कि भी हाँ वाकई में इससे फायदा हो रहा है बकरों को या बकरेबाजों को, तो जहां से भी आपको नजदीक ये मसूर का भूसा मिले वहां से मंगाओ और खिलाओ, बकरे सस्ते में पालो ताकि अपन को कुछ फायदा हो जाए। मेरे कहने का मतलब यही है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से यूट्यूबर, गांव के एक छोटे से यूट्यूबर के जरिए हर रोज कुछ न कुछ नया इंफॉर्मेशन दूंगा। बाकी इस एक महीने के अंदर तो मैंने यही देखा कि हरिपति आसमान छूने लग गई है, तो इसकी जगह इसका तोड़ निकालने के लिए मैंने मेरे खुद के बकरों के ऊपर प्रयोग करके ये मसूर का भूसा देखा है। सही है, नुकसान नहीं है इससे, और इंशाल्लाह आगे छोटे छोटे वीडियो आएंगे आपके पास, उसमें आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दुआ में याद रखना और आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।